देखिए जनपद सोनभद्र में थाना शाहगंज पुलिस SOG की टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम की कार्रवाई में 4 क्विंटल 50 किलो 4.5 क्विंटल गांजा पुलिस को बरामद हुआ है। इसमें 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं जो अंतर प्रांतीय तस्कर हैं इस तरीके के मादक पदार्थों के। 2 जौनपुर के रहने वाले हैं, 1 पंजाब का रहने वाला है और 1 व्यक्ति इनमें से मिर्जापुर का रहने वाला है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लेके आए थे और इन लोगों को आगे जनपदों में जाना था, मिर्जापुर। इन लोगों ने बताया कि मिर्जापुर में जाना था, इसी क्रम तस्दीक करेंगे आगे भी। बीच में हमारी पुलिस ने इनको चेकिंग के दौरान इनको पकड़ लिया है। पुलिस की टीम ने जब चेकिंग किया तो वाहन में अलग से इन लोगों ने एक डीजल का टैंक बना रखा है और उसी में गांजा भरा हुआ था। और इसके अलावा जो ट्रक है, ट्रक के फर्श को मॉडिफाई करके फर्श के नीचे एक और फर्श बना रखा है और उसके जो बीच में गैप है उसमें लोग गांजा रखते हैं। इस तरीके से ये लोग गांजे की सप्लाई उड़ीसा से पहले भी किए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि पहले भी ये लोग लाए हैं और उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई उन्होंने दी है। अगर ये पकड़े जा रहे हैं ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के हैं, तो क्या इनका ये सेफ कॉरिडोर है? देखिए हरियाणा पंजाब के लोग शराब को लेके जाते हैं आपके बिहार और झारखंड में, जिनको बीच में रास्ता पड़ता है सोनभद्र का, हम लोग इनको पकड़ लेते हैं और उधर से बिहार से और उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह के लिए। तो भी बीच में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो हम लोग उधर से जब आते हैं गांजा लेके, तब भी इसमें लगातार पुलिस उनको पकड़ रही है। लगातार अगर 1 महीने की बात की जाए तो लगभग 5-6 करोड़ से ज़्यादा की माल बरामद भी हो चुके हैं। तो ये नहीं लगता कि भारी मात्रा में यहाँ तस्करी हो रही है? देखिए जैसा आपने बताया कि पूर्व में भी लगभग 40,000 लीटर अंग्रेजी शराब हमने बरामद कर ली है और लगभग 20 क्विंटल के लगभग गांजा हमने बरामद कर लिया है। तो यहाँ से रूट इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और 36 लोगों पे हमने गैंगस्टर की कार्रवाई की है, 36 व्यक्तियों पे, और लगभग 2.5 करोड़ की उनकी संपत्ति भी सीज की है। 10 मुकदमे गैंगस्टर के इसमें दर्ज। हाँ, पुलिस की टीम ने, सर्विलांस की और SOG की टीम ने स्पेशली अच्छा काम किया है। दोनों जो उसके इंचार्जेस हैं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। कितनी कीमत होगी इसकी? कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 45 से 50 लाख इसकी मार्केट वैल्यू है। यूरोप के कुछ और मेंबर थे? हाँ, अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी और इसमें जो मिर्जापुर में किनको सप्लाई देना था और कहाँ से लेके आए उन लोगों को भी हम इसमें प्रकाश में लाएंगे। 25,000 रुपये का इनाम से दिया गया। देखिए उनके बारे में मालूम हो गया है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं और कुछ डिस्टिलरी से।